वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके क्लास 6 to 12 तक यानी कि क्लास 6 से 12 तक जो आप एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग जिसको बोलते हैं, लेकिन आजकल आप लेटर राइटिंग करने लगे, एप्लीकेशन ही लेटर राइटिंग है, किसी प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं कंप्लेन से संबंधित यानी कि शिकायत करने से संबंधित, कोई सी भी आपका लेटर राइटिंग एप्लीकेशन आ जाए जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल HM हेड मास्टर को लिख रहे हो, उसका कॉमन आज हमने मैटर प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लिखा है और फिर कैसे उसको लिखना है, आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना, सब्जेक्ट निकालना हम सिखाएंगे, साथ ही आपको क्या मैटर लिखना है ये भी सिखाएंगे। ये क्वेश्चन आया, सपोज यू आर रवि या रवीना, तो आप लड़के हो तो रवि, लड़की है तो रवीना, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राइट एन ऑफिशियल लेटर एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन आएगा, दोनों में से एक मैंने ओब्लिक लगा दिया, टू द प्रिंसिपल, देख ले लिखना किसको है, प्रिंसिपल को, ऑफ योर स्कूल, स्कूल के कंप्लेनिंग करना है किसके बारे में, ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो स्कूल कोटा का दिया तो आप एड्रेस भी काल्पनिक कोटा का लिख दे, अगर वो एड्रेस दे दे तो वही लिखे, नहीं दे तो ये हमने यहाँ पर आपके 2B12 तलवंडी कोटा और ये डेट लगा दी, ठीक है, ईयर जो चल रहा हो वो आप लिख दे। फिर लिखना है किसको, द प्रिंसिपल को, ये रहा द प्रिंसिपल, ये द प्रिंसिपल हमने यहाँ लिख दिया, स्कूल दिया हुआ है, दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टिक करते हुए चले ताकि कहीं कोई गलती ना हो, कहाँ है कोटा, स्थान दिया हुआ है कोटा लिख दिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट निकालना मैंने आपको हर वीडियो में बताया है जो भी हम लेटर राइटिंग के सीख रहे हैं, फिर इसमें भी बता देता हूँ आपको, चार प्रीपोजिशन मिलेंगे, टू, ऑन, अबाउट और फोर, ये कब मिलेंगे, जब आप किसी अधिकारी को लेटर लिखने के लिए लिखेगा वो क्वेश्चन में, उसके जस्ट बाद में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये अधिकारी, प्रिंसिपल वाला हो, कलेक्टर वाला हो, एडिटर वाला हो, कहीं भी हो, इसके बाद में चलेंगे हम ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट, ये मिल गया अबाउट, ये मिल गया, ठीक है, ये अबाउट मिल गया, ये चार में से एक मिलेगा आपको, टू, वन, अबाउट, फोर, अधिकारी है ना, अधिकारी के जस्ट बाद में आप जाओगे आपको प्रेपोजिशन मिलेगा, टू, वन, अबाउट, फोर, ये मिल गया अबाउट, और कहाँ तक मिल गए, पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, ये लिख दिया हमने अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को तो चेक करता ही है कि एड्रेस लिखा हुआ है, जिसको लिखना है वो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखता है, फिर बीच में इतना ध्यान नहीं देता, बस इन चीज़ों पर, और लास्ट में ओबीडिएंटली की स्पेलिंग चेक करेगा, इन चीज़ों को चेक करेगा, फेथफुली, रेस्पेक्टफुली, जो भी आपने लिखा। अब यहाँ पर आप आ जाइए, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, 9, 10, 11, जहाँ आप पढ़ते हो, जो भी क्लास का हो, प्योर स्कूल, ये तो हर बच्चा जानता है, बचपन से लिख रहा है, छोटी कक्षा से, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल, क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, 10th, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में ये कॉमन, ये भी चीज़ कॉमन है, वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, ये देखिए यहाँ पर, वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी प्रॉब्लम है, जो हमने सब्जेक्ट में लिखा अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, यहाँ पर पुअर क्लासरूम, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम की जगह डर्टी टॉयलेट्स होता, या ड्रिंकिंग वाटर होता, या फिर बेड आपका ब्लैक बोर्ड होता, कोई सी भी आपकी समस्या होती जो स्कूल रिलेटेड है, सब में आपको क्या करना है, वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, और ऑफ के बाद में जो आप सब्जेक्ट लिखोगे, ध्यान से समझ लेना, ये जो सब्जेक्ट लिख रहे हो आप, चार प्रीपोजिशन दिए हुए, इनमें से कोई सा भी एक आएगा, ये सब्जेक्ट लिख रहे हो वही ऑफ के बाद लिख देना, कुछ भी नहीं करना अलग से, ये वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम लिखी आपने, ये अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, तो यहाँ पर आपने वो प्रीपोजिशन लगा दिया, तो ये एक प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या लिख देंगे, द प्रॉब्लम ऑफ किसकी, द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, यहाँ पर योर दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, तो योर का क्या करेंगे, वाई हटा देंगे तो और बन जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन में से ही बना दिया हमने, योर का और कर लिया, द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, ये हमने लिख दिया, और फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कॉमन है, कोई सा भी आ जाए, द स्टूडेंट्स आर मच वरीड, विद्यार्थी बहुत परेशान है, वी हैव टोल्ड दिस मैटर टू आवर टीचर्स ऑल्सो, हमने ये बात हमारे टीचर्स को भी बताई है, बट टिल नाउ, अभी तक भी,
द प्रॉब्लम इज सेम, समस्या जस की तस बनी हुई है, यानी कोई सुधार नहीं हुआ है। सो वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं टू लुक इन टू द मैटर एज अर्ली एज यू कैन, जहाँ तक हो जितना जल्दी हो सके इस मैटर में आप अपना ध्यान दीजिए और इसे सोल्व कीजिए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली रवि या रवीना। क्लास आपकी जो जो लिख दो, ये काम हो गया, कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए कॉमन वाला है, बस हमने क्या किया है, सब्जेक्ट निकाला है, सब्जेक्ट मैंने बता दिया अधिकारी के बाद में, ये चार प्रीपोजिशन मिलेंगे, बाकी पूरा ही कॉमन है। कोई सी भी आ जाए कंप्लेन वाली, ये एक याद कर जाओ, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं लिख कर आने से बहुत अच्छा है कुछ लिख कर आना, क्योंकि हर चीज़ का अलग मैटर याद करना हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है। अगर आप अलग अलग याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, फिर जितनी हो आप याद कर लें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे तो ये कॉमन वाली याद करनी है, मैं ये लिख कर आ जाऊँगा, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, तो आप लिख सकते हो। और अगर आपको लिखना आता है तो एक दो लाइन, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जैसे डर्टी क्लासरूम है तो आप जो एक दो लाइन सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मान लीजिए कोई चाहता है कि सर ये थोड़ा छोटा लग रहा है कुछ लाइन, मैं भी लिखना चाहता हूँ, तो लिख सकते हो। जैसे डर्टी क्लासरूम है तो आप लिख सकते हो द स्वीपर, जो झाड़ू वाला है, डज नॉट स्वीप द क्लासरूम, द क्लासरूम, ये हमने यहाँ पर लिखा द क्लास, सिंपल करके द क्लासरूम रेगुलरली, वो रेगुलर रूप से हमारे क्लासरूम को स्वीप नहीं करता है। क्या होता है, चारों तरफ धूल रहती है, डस्ट रहती है। देर इज डस्ट एवरीवेयर, हर कहीं धूल डस्ट रहती है। ऐसे छोटे छोटे बना सकते हो आप, फिर ये भी चल जाएगा। इट मेक्स अवर क्लोथ्स डर्टी, इससे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर ये हर स्टूडेंट नहीं लिख सकता, मैंने लिख के बता दिया क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, आप में से भी बहुत से बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन बहुत से नहीं लिख सकते, तो कम से कम वो कुछ तो लिख कर आएंगे, इसीलिए मैंने ये बनाया है। बस सब्जेक्ट निकालना सीख लो और लिख के आ जाओ। हो सकता है इसमें उनके एक आधा नंबर कम दे दे और इसमें फुल दे दे, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं लिख कर आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, लिख कर आ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है इसमें भी आपको फुल मार्क्स ज़रूर से मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक यू।